आज हमारे पास में चैप्टर नंबर 12 टेंथ क्लास का है। चैप्टर का नाम है द पाई एंड टॉट। इस चैप्टर को लिखा है ह्यूज चेस्टर मैन ने। चेस्टर मैन ने इस चैप्टर को लिखा है। इस चैप्टर के अंदर चार मेन कैरेक्टर हैं, जिनमें से दो कैरेक्टर हैं, एक तो जीन है, दूसरे पियरे हैं। जीन और पियरे दोनों के दोनों ठग्स हैं और भूख और ठंड के कारण क्या हो रहे हैं, लक रहे हैं। ये जो कहानी है ये पेरिस की है और वहाँ पर क्या हो रही है, अभी ठंड पड़ रही है, ठंड के कारण और भूख के कारण ये पीड़ित हैं कि इतने से उन्होंने खाना नहीं खाया है। और जो कपड़े पहन रखे हैं उनके अंदर जगह जगह हॉल है, ट्यूनिक है, ट्यूनिक मतलब छेद है, तो ठंड भी इन्हें क्या होती है, बहुत ज़्यादा लगती है। तो दो कैरेक्टर हैं जो कि क्या है हमारी कहानी के अंदर भूखे हैं, एक का नाम जीन है और एक का नाम पियरे है। अब यहाँ पर दो कैरेक्टर और है हमारी कहानी के अंदर, यहाँ पर है गुटियर गॉल्टियर और दूसरा है मेरियन। अब ये गॉल्टियर और मेरियन दोनों हस्बैंड और वाइफ है और इनकी शॉप की दुकान है, और इनकी शॉप की दुकान के ऊपर जीन और पियरे रखे हुए देखते हैं, पाई और दूसरा टॉट रखा हुआ देखते हैं। अब उनको कैसे न कैसे करके ये चीज़ें हासिल करना है। तो जीन और पियरे एक योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। सबसे पहले तो इनके पास में कोई प्लान नहीं होता है। जो जीन है और पियरे है वो डिसाइड करते हैं कि भीख मांगेंगे जाके, क्योंकि इतने ज़्यादा भूखे थे, बहुत ज़्यादा, तो ये भीख मांगने के लिए भी क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो जो पियरे होते हैं सबसे पहले पियरे जाते हैं भीख मांगने के लिए, और मेरियन की जो खाने की दुकान है वहाँ पर जाके भीख मांगते हैं। और जो गॉल्टियर है वो दरवाज़ा खोलते हैं, वो कहते हैं कि भाग जाओ भिखारी यहाँ से, मेरे पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो पियरे जो पियरे होते हैं एक ठग हैं, वो वापस आ जाते हैं। अब वो कहते हैं जीन से कि अब जाओ भैया, तुम भी अपनी किस्मत आजमा लो, क्या पता तुम्हें कुछ वहाँ से मिल जाए। तो अब जीन जाते हैं, जब जीन जाते हैं तो कौन दरवाज़ा खोलती है, मेरियन दरवाज़ा खोलती है। जीन जाता है, जब मेरियन दरवाज़ा खोलती है तो मेरियन कहती है कि जाओ यहाँ से, मेरा जो हस्बैंड है वो घर पर नहीं है, तुम्हें यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। एक्चुअली क्या हुआ था, जब पियरे जाते हैं तो गुलिटर भी कहते हैं कि मेरी वाइफ घर पर नहीं है, और जब जीन जाते हैं तो वो कहते हैं मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चार कैरेक्टर हैं, दो मेन कैरेक्टर ये हैं पाई और टॉट। पाई और टॉट भी मेन कैरेक्टर हैं इसके अंदर। इन दोनों को ही हासिल करने की जद्दोजहद इस चैप्टर के अंदर बताई गई है। तो आइए हम चालू करते हैं हमारा चैप्टर। आशा करता हूँ कि कैरेक्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये चार कैरेक्टर हैं। यहाँ पर एक और कैरेक्टर है जिनकी बस केवल बात होती है, जो इस ड्रामे के अंदर नहीं है, वो है मेयर। क्यों? क्योंकि जो कुलीटर होता है वो मेयर के यहाँ जाता है खाना खाने के लिए, और आगे इस स्टोरी के अंदर क्या होता है तो अपन चैप्टर की समरी समझते हैं, उसके अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, जीन एंड पियरे आर टू ठग्स। जीन और पियरे दो ठग्स हैं पेरिस के अंदर। बोथ ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम कॉल्ड एंड हंगर, और दोनों ही पीड़ित हैं। सफरिंग मतलब पीड़ित हैं, हंगर से और ठंड से दोनों ही पीड़ित हैं। पियरे फियर्स डेट ही वुड फ्रीज इफ ही स्टॉप वॉकिंग। अब पियरे लगातार क्या कर रहा है, चल रहा है, और वो सोचता है अगर वो चलता हो और रुक जाएगा तो ही विल फ्रीज, वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। जीन इज सिटिंग डाउन, जीन जबकि बैठा हुआ है नीचे, इन ऑर्डर टू हैव सम फूड पियरे नॉक्ड एट द, अब थोड़े भोजन के लिए जो पियरे होता है वो कहाँ पर जाता है, दरवाजा खटखटाता है, और किसका दरवाजा खटखटाता है, केक शॉप का भी। केक शॉप के मालिक कौन है, मिस्टर गोल्टियर। मिस्टर गोल्टियर इससे केक शॉप के मालिक है, वो जाता है केक शॉप का, दरवाजा खटखटाता है। द ऑनर ऑफ द शॉप कम्स आउट एंड सेज डेट हिज वाइफ हैज गॉन आउट एंड ही हैज नथिंग टू गिव हिम, और जो ऑनर है कॉल्चियर है वो दरवाजा खोलता है और कहता है कि मेरी पत्नी घर पर नहीं है और मेरे पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, जाओ किसी और घर जाके भीख मांगो। ये कह दिया जाता है कॉल्चियर के द्वारा, पियरे से कह दिया जाता है। आफ्टर दिस, इसके बाद में जीन गोस टू द सेम डोर, जीन भी वहीं जाता है, नॉक्स और दरवाजा खटखटाता है। अब इस बार जीन के लिए दरवाजा खोलती है मेरियन, जो कि गुलिटर की क्या है, पत्नी है। कम्स देयर एंड सेज डेट, और कहती है डेट हर हस्बैंड के उसका पति हैज गॉन आउट, के उसका पति घर पर नहीं है, हैंस इसीलिए सी हैज नथिंग फॉर हिम, इसलिए उसके पास में उस जीन के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो दोनों ही एक ही दरवाजे के ऊपर जाते हैं, एक ही शॉप के ऊपर जाते हैं, और दोनों को ही निराशा लगती है, कुछ उन्हें हासिल नहीं होता है। ये इस पैराग्राफ के अंदर समझाया गया है। अब आगे की जो कहानी है वो क्या कहती है, गुलिटर इज प्लानिंग टू गो टू डाइन, डाइन मतलब डिनर के लिए विद द मेयर। गुलिटर गोल्टियर सॉरी गोल्टियर जो है उसे मेयर के यहाँ डिनर के लिए जाना है। ही आस्क हिज वाइफ टू सेंड द इल पाई थ्रू द मैसेंजर। अब ये मैसेंजर की बात होती है, क्या होता है कि गुलिटर समाज का एक सभ्य व्यक्ति है, एक सिटीजन है, एक इज्जतदार व्यक्ति है, वो अपने साथ में खाने की इल पाई लेके जाएगा
तो वो उसको शोभा नहीं देता है। इसलिए जो गॉल्टियर है वो एक प्लान बनाता है, एक योजना बनाता है कि मैं किसी मैसेंजर को पहुंचाऊंगा, और मेरियन जो कि उसकी पत्नी है उससे कहता है कि और मेरियन तुम उस मैसेंजर को इलपाई दे देना। अब मेरियन कहती है कि मैं उसे पहचानूंगी कैसे, तो जो गोल्टियर है वो कहता है कि वो तुम्हारे हाथों को किस करेगा, अगर मैं जिसको बचाऊं वो तुम्हारे हाथों को किस करता है, देन ही इज द राइट मैसेंजर। तो वही क्या है, सही मैसेंजर है, और उसको तुम क्या दे देना, इलपाई दे देना। वो इलपाई लेके कहाँ पर जाएगा, मेयर के यहाँ पर जाएगा, और मेयर को मैं ये इलपाई जो है वो भेंट करूंगा, और मेयर मुझसे क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। मेयर मतलब सबसे बड़ा व्यक्ति किसी भी सिटी का। अब जो जीन भाई साहब, अब ये बातें गोल्टियर और उसकी वाइफ मेरियन के बीच में होती रहती हैं। अब जो जीन है, जो दो ठग्स में से जीन है, वो इन बातों को क्या कर लेता है, सुन लेता है। तो जीन हियर्स दिस कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मतलब इन बातों को कौन सुन लेता है, जीन हियर्स मतलब सुन लेता है। पियरे डिसाइड, अब ये जीन जो है वो आके एक बात किसको, यही बातें सारी बातें पियरे को, जो उसका दोस्त है दूसरा ठग है, उसको बता देता है। अब पियरे क्या होता है, बहुत ज्यादा चालाक होता है। पियरे डिसाइड टू एक्ट एज ए मैसेंजर, पियरे डिसाइड करता है मैसेंजर की तरह एक्ट करने का। जीन क्यों नहीं करता है, क्योंकि जीन को मेरियन ने देख लिया था, अगर वो जाएगा तो मेरियन उसे पहचान जाएगी और उसे पाई नहीं देगी, इसलिए पियरे जाता है, क्योंकि पियरे को तो किसने देखा था, गोल्टियर ने देखा था, और गोल्टियर घर पे थोड़ी रहेगा। पियरे डिसाइड टू एक्ट एज द मैसेंजर एंड गेट्स एल्पाई फ्रॉम मेरियन, पियरे डिसाइड करता है कि वो जाएगा और मेरियन से एल्पाई लेके आएगा। ठीक है, सोन आफ्टर गोल्टियर रिटर्न होम हंगरी, और क्या होता है कि जो गोल्टियर है वो कहाँ पर जाता है, मेरियन के यहाँ पर जाता है, लेकिन मेरियन क्या होते हैं उसे डिनर के ऊपर इनवाइट करके और भूल जाते हैं और कहीं बाहर चले जाते हैं डिनर करने के लिए किसी दूसरे के साथ में, और गोल्टियर वहाँ से खाली हाथ आ जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, कहता है कि मैं एक इज्जतदार व्यक्ति हूँ और मेरे साथ मेयर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। गोल्टियर मेरियन से कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, वो इल पाई मेरे लिए लेके आओ। तो मेरियन कहती है कि इल पाई, कौन सी इल पाई, मैंने तो आपके द्वारा जो मैसेंजर बचाया था उसको दे दी। यूँ बोले गोल्टियर कहता है, यूँ बोले कब दे दी मैंने, कब मैसेंजर बचाया, क्योंकि उसने तो बचाया नहीं था वास्तव में। तो मेरियन कहती है, नहीं तुमने मैसेंजर बचाया था और उसने मेरे हाथों को किस भी करा था, तो मैंने उसको इल पाई दे दी। तो मेरियर जो मेयर गोल्टियर होते हैं वो अपनी वाइफ के ऊपर शक करते हैं कि तुमने अकेले ही पूरे इलपाई खा गए, ठीक है ना, अपन दोनों ने डिसाइड करा था कि अपन दोनों मिलके खाएंगे उस इलपाई को, लेकिन तुम तो अकेले ही खा गए, मतलब उस पाई को, ये तो गलत बात है। और उसको उसके ऊपर क्या करते हैं, स्कॉल्ड करते हैं, चिल्लाते हैं गोल्टियर, और मेरियन बार बार यही कहती है कि नहीं नहीं मैंने नहीं दी ये पाई, नहीं दी। और उस तरफ दोनों जो ठग्स हैं वो इलपाई का मजा लेते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा आनंद आता है उस इलपाई को खाने के लिए। जो जीन और पियरे जो उस पाई को लेके जाते हैं, तो उनमें से एक के पास वो पाई रखी रहती है, इलपाई रखी रहती है, और एक सपना देखता रहता है कि यार मुझे मत उठाओ ये कितना अच्छा सपना है, तो दूसरा कहता है नहीं ये सपना नहीं हकीकत है, और दोनों मिलकर उस इलपाई को क्या कर जाते हैं, हजम कर जाते हैं। अब इतने के अंदर आगे क्या होता है, जीन एंड पियरे ऑन द अदर हैंड एंजॉय इलपाई, ये इलपाई खाते हैं। नाउ पियरे नीड वन मोर पाई, अब जो पियरे हैं वो देखते हैं एक और पाई को वहां पर देखते हैं। अब देखिए भाई, लेने कौन गए थे वहां पर, जो पाई वगैरह है उसको लेने कौन गए थे, पियरे गए थे। जब वो पियरे वहां पर पाई लेने जाते हैं, और जितनी देर तक जो मेरियन है पाई को लेकर आती हैं उतनी देर तक वो बाहर खड़े रहते हैं और इधर उधर घर के अंदर झांकते रहते हैं, और उन्हें अलमारी जो सेल्फ रहती है उसके ऊपर एक टॉर्ट रखा हुआ दिखता है, जो कि मैंने इससे पहले आपको पिक्चर में दिखाया था, उस प्रकार का केक जैसा टॉर्ट दिखता है। तो पियरे के मन में लालच आता है, वो सोचते हैं कि मैं उस टॉर्ट को भी क्या करूँ, हासिल करूँ। इल पाई का तो, पाई का तो इन्होंने मजे ले लिया, लेकिन वो चाहते हैं कि उस टॉर्ट को भी हासिल करना चाहते हैं। अब जैसे तैसे कर कुरा के पियरे वापस एक और योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि वापस हमें गोल्टियर के घर पर जाना चाहिए और कहना चाहिए कि एल पाई भैया इतनी पर्याप्त नहीं थी, तो मेरिया जो मेयर है वो चाहते हैं कि टॉर्ट भी उन्हें खाने को मिले। गोल्टियर ने कहा है कि टॉर्ट भी तुम लेके आ जाओ, ऐसी योजना बनाते हैं। वापस मेरियन के पास में जाते हैं, उसे एक बार और बेवकूफ़ बनाते हैं, उससे कहते हैं कि गोल्टियर ने मुझे बचाया है और मैं आपके हाथों को किस करता हूँ, और आप मुझे वो जो टॉर्ट रखा है सेल्फ के ऊपर वो भी मुझे दे दो। देखिए आगे क्या होता है, ये योजना इन्होंने बना लिया, वो जाते हैं वहां पर। ही हैड सीन ए टॉर्ट ऑन सेल्फ ऑफ द शॉप, शॉप के सेल्फ के ऊपर उसे वहां पर जो पियरे है उसे टॉर्ट दिखता है, टॉर्ट दिखता है। इन ऑर्डर टू गेट
टू उसे भी हासिल करने के लिए ही मेक्स अनदर प्लान, एक योजना बनाते हैं एंड नॉक एट द डोर, और दरवाजे को क्या करता है, खटखटाता है। मेरियन ओपन्स द डोर, मेरियन जो है वो दरवाजा खोलती है। जीन, अब इस बार जीन जाता है और जीन सेज टू हर, और जीन उससे कहता है डेट कॉलिटर कॉल्टियर हैज सेंट हिम टू कैरी द टॉर्च, के टॉर्च लाने के लिए कॉल्टियर ने उससे कहा है। बट मेरियन कॉल्स कॉल्टियर, और मेरियन पहचान जाते कि हाँ यही लफंगे होने, तो मेरियन अंदर जाती है और कॉल्टियर को बुलाती है। जैसे कॉल्टियर आता है तो वो तो अपना आपा खो बैठता है और जीन को कॉलर से क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, उसे मारने लग जाता है, कहता है तुमने मेरा एल्पाई का क्या करा, एल्पाई का क्या करा, ये क्वेश्चन उससे पूछता रहता है। जीन भी थोड़ा होशियार, वो समझता है कि मैं कैसे ना कैसे इससे बच जाऊँ, ये तो मुझे मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है, रुक ही ना रहा। तो जीन एक क्या कहता है, झूठ बोलता है कि यार मेरी कोई योजना नहीं थी, सारी की सारी योजना किसकी थी, पियरे की थी, मैं जाता हूँ और उसे पकड़ के लेके आता हूँ। तो मेरियन कॉल्स कॉल्टियर, मेरियन कॉल्टियर को बुलाती है, ही कम्स आउट, उभार आता है, स्टार्टेड बीटिंग है, और उसे मारना चालू कर देता है। किसको, जीन को। जीन सेस पियरे इज द रियल कल्प्रिट, जीन ही असला क्या है, दोषी है, वही सबसे मेन विलन है। पियरे कम्स डियर, अब जीन जाता है और पियरे को बुला के लेकर आता है। पियरे वहां पर आता है, जीन भी अच्छा जाके यूँ नहीं कहता कि तुम्हें गोल्टियर बुला रहा है, जीन कहता है कि मेरियन ने जिसको एल पाए दिया था उसको ही वो तोड़ देगी, मुझे नहीं दे रही है, तुम जाओ और तुम ही लेके आओ, तुम्हें देने के लिए वो रेडी। तो पियरे सोचता चलो मैं ले आता हूँ, देखो मैं बताता हूँ जीन, तुम मुझसे सीखो ये काम कैसे किया जाता है। पियरे उससे ये कह के भी जाता है। पियरे कम्स डियर, पियरे वहां पर आता है, गोल्टियर साइज हिम बाई द कॉलर, गोल्टियर उसे फटाक से कॉलर के पास से क्या कर लेता है, पकड़ लेता है और उसे भी मारने लग जाता है। पर पियरे और ज्यादा अकलमंद ठहरा, वो कहता है पियरे टेल्स गोल्टियर ए फॉल्स स्टोरी। अब ये फॉल्स स्टोरी क्या कहता है, पियरे कहता है अरे सर मैंने आपकी और आपकी वाइफ की बातों को सुन लिया था। अब जब आप वहाँ मेयर के यहाँ जाते हैं खाने के लिए, और आप नौकर कहता है मेयर तो है ही नहीं, और जैसे ही आप वहाँ से निकलते हैं ऐसे ही मेयर आ जाते हैं और मुझसे बोलते हैं कि भैया गोल्टियर नहीं आए, तो मैं कहता हूँ नहीं वो तो आए थे, वो गए, वो तो आए थे, तो मैं जो इलपाई है आपकी बातों को सुन लिया था, इसलिए मैं इलपाई मेयर के लिए लेके चला गया, और मेयर ने वो इलपाई खाई और उन्हें बहुत आनंद आया। अब वो चाहते हैं कि वो गोल्टियर आपके साथ में बैठकर डिनर करें, ये पियरे एक झूठी कहानी सुना रहा है गोल्टियर को। अब वो कहता है कि मेयर चाहते हैं कि वो आपके साथ में, गोल्टियर आपके साथ में बैठकर डिनर करें, पाई तो वो खा गए लेकिन एक टॉर्ट भी रखा है, उसे भी वो मंगा रहे हैं, इसके बारे में मैंने उनसे कह दिया था। अब गोल्टियर क्या हो जाता, अच्छा, ऐसी बात है, मेयर खुद मतलब पाई खा गए और टॉर्ट भी मंगा रहे हैं और मुझे भी बुला रहे हैं साथ में, तो मुझे चलना चाहिए। तो पियरे कहता है नहीं, आप टॉर्ट लेके जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप एक रिस्पेक्टफुल पर्सन है, तो एक काम करता हूँ मैं आपके लिए टॉर्ट लेके चलता हूँ। तो गोल्टियर खुश हो जाता है और कहता है लो लो ये टॉर्ट लो और तुम चलो और मैं आया। ये ऐसी कहानी उसे झूठी कहानी सुनाता है। पियरे टेल्स कॉल्टियर ए फॉल्स स्टोरी एंड दस बाय ट्रिक कॉल्टियर वंस अगेन, और ये जो ट्रिक थी इसकी वजह से कॉल्टियर एक बार और डिसीव्ड मतलब धोखा खा जाता है, बाय टू ठग, दो ठग्स के द्वारा क्या कर जाता है, धोखा